हेलो स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है. ये बोल रहे ऑन इंक्रीजिंग द फिलामेंट करंट इन एक्सरे ट्यूब द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इंक्रीजेस, पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे इंक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इंक्रीजेस. देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो जो ये एक्सरे जनरेट करने वाली ट्यूब होती है हमारे पास, इसमें ये होता है टारगेट, यहां पे ये होता है फिलामेंट. ठीक है, अब एक ये पॉइंट होता है और एक अपना ये वाला पॉइंट समझ लीजिए. तो एक वोल्टेज यहां पे लगती है V2 और एक वोल्टेज यहां पे लगती है V1. अगर ये वाली वोल्टेज आप इंक्रीज करते हो, V1 को आप इंक्रीज करते हो, दैट मींस नंबर ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज. और अगर आप V2 को इंक्रीज करते हो, यानी कि इस वाले पोटेंशियल को बढ़ा देते हो आप, ठीक है ना, इस वाले पोटेंशियल को बढ़ा देते हो, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, ये टारगेट उन्हें और अट्रैक्ट करेगा, तो उनकी स्पीड और बढ़ जाएगी. इससे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज. तो दैट मींस इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड बढ़ने से, स्पीड इंक्रीज होने से इसकी हिटिंग इंक्रीज होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. अब उसमें से कुछ एनर्जी यूज होके हाई एनर्जी की एक्सरेज जो है वो निकलेंगी, हाई एनर्जी की एक्सरेज निकलेंगी. लेकिन इसने मोर नंबर ऑफ एक्सरेज, इससे मोर नंबर ऑफ एक्सरेज निकलेंगी, इससे ज्यादा नंबर ऑफ एक्सरेज निकलेंगी. तो यहां पे ज्यादा नंबर ऑफ एक्सरेज निकलने से ये इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, तो एक तो फिलामेंट वोल्टेज होती है और एक नॉर्मल वाली वोल्टेज होती है जो इलेक्ट्रॉन गन और टारगेट के बीच में लगी होती है. कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर ऑब्टेन्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम बिकॉज हाइड्रोजन इज अ गैस, हाइड्रोजन इज वेरी लाइट, एनर्जी डिफरेंस इन एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन इज मच लेस. ये ऑप्शन सही है. एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कौन सी होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन के एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ट्रांजिशन होने की वजह से प्रोड्यूस होती हैं. ठीक, तो हाइड्रोजन की जो ट्रांजिशन स्टेट्स हैं उनमें बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली ट्रांजिशन ले लेता है और एक्सरेज वहां से निकलती है. यानी कि ये न्यूक्लियस है और अगर ये ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, तो इस ऑर्बिट से मान लीजिए इस ऑर्बिट में ट्रांजिशन होता है, तो यहां से जो निकलने वाली एक्सरे है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे. ठीक है, तो इसमें ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, इन एक्सरे स्पेक्ट्रम वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइन के ए डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर जेड एच. देखिए फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस वन. दिस इज मॉजलेज लॉ, दिस इज मॉजलेज लॉ. अब न्यू इज इक्वल टू होता है सम कॉन्स्टेंट सी अपॉन लैम्डा. तो अगर मैं इसको लैम्डा न्यू को रिप्लेस करूं तो इसको सी बाई लैम्डा से रिप्लेस करना पड़ेगा. तो हम कह सकते हैं वन बाई लैम्डा का अंडर रूट, वन बाई लैम्डा का अंडर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस वन. तो वन बाई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस वन का स्क्वायर. तो यहां से लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई जेड माइनस वन का स्क्वायर. तो यहां से ये फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. यहां पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, दिस इज मॉजलेज लॉ. If potential difference applied to an X-ray tube is V volt,
then minimum wavelength of X-ray produced is about in angstrom. ये बोल रहा है the potential difference applied to an X-ray tube is V volt, then minimum wavelength produced. अगर V volt की आपने potential का difference apply किया है तो E into V की kinetic energy हो जाएगी. अगर दो point के बीच का potential difference V है और एक ई इलेक्ट्रॉन को यहां से आप यहां तक एक्सेलरेट करते हो तो एक्सेलरेट करके उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, ई इंटू वी के. ठीक है, अब ई इंटू वी किसके बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ एच सी अपॉन लैम्डा के. अब ये लैम्डा मैक्सिमम होगा अगर उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी एक्सरे में बदल जाती है तो इतनी एनर्जी के बराबर होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी अपॉन ई. ठीक है, एच सी अपॉन ई वी. ठीक है ना, तो ये एच कितना होगा, 6.63 इंटू 10^-34 इंटू सी कितना होगा, 3 इंटू 10^8 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10^-19 इंटू वी. तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 12400 डिवाइडेड बाय वी. सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. The minimum wavelength of X-rays produced by electrons accelerated by a potential difference of V volt is equal to the minimum wavelength of X-rays, यानी कि एच सी अपॉन लैमडा इज इक्वल टू ई वी. तो लैमडा इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी बाई ई वी. थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखिए, ये बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एन एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीज. पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एन एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीज एज अ रिजल्ट इन द एमिटेड रेडिएशन. देखिए, अगर वोल्टेज हम V2 को इंक्रीज करेंगे, यानी कि पूरी ट्यूब की वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा एनर्जी से टकराएगा तो ज़्यादा एनर्जी की एक्सरे देगा, यानी कि एच सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू बहुत हाई होगी, यानी कि लैम्डा मिनिमम होगा. ठीक, और अगर आप एक्सरे की एनर्जी एच न्यू से दे रहे हो तो ये वाली वैल्यू बहुत हाई होगी, न्यू बहुत हाई होगा, लैम्डा बहुत लो होगा अगर आप वोल्टेज वी टू यानी कि ट्यूब की वोल्टेज बढ़ा रहे हो. अब इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं. द इंटेंसिटी इंक्रीजेस, द मिनिमम वेवलेंथ इंक्रीजेस, द इंटेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, डी द मिनिमम वेवलेंथ डिक्रीजेस. अगर आप वी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, सॉरी वेवलेंथ डिक्रीज होगी, तो डी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया. और द इंटेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, डी डी करेक्ट हो गया. और इंटेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, इंटेंसिटी का हम कुछ नहीं कह सकते, इंटेंसिटी ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है. द मिनिमम वेवलेंथ इंक्रीजेस, पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ाने से क्वालिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी नहीं में चेंज नहीं होता, इंटेंसिटी में चेंज होता है फिलामेंट की वोल्टेज बढ़ाने से
ये वाली वोल्टेज बढ़ाने से इंटेंसिटी अनचेंज रहती है, तो हम कह सकते हैं ठीक। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दो दो ही सेलेक्ट करने, क्योंकि ऊपर वाले दो तो गलत ही हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इंक्रीज हो, इंक्रीज होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इन प्रोड्यूसिंग एक्स रेज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज मेड टू स्ट्राइक अ मेटल टारगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वी द फॉलोइंग एक्स रेज हैज द लोवेस्ट वेवलेंथ, लोवेस्ट वेवलेंथ। भाई जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी तो E इंटू वी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि एच सी अपॉन लेमडा की वैल्यू ये होगी। अब V जितना ज्यादा होगा, V जो है जितना ज्यादा होगा लेमडा उतना कम होगा। तो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज किसमें, 40 किलो वोल्ट इसमें सबसे ज्यादा है, तो जिसमें जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उसमें उतनी कम लेमडा होगा। तो ये बोल रहे हैं ना स्ट्राइक फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वी फॉर लोवेस्ट वेवलेंथ, मिनिमम लेमडा बताना है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखो, इफ वी बी द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज देन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरेज इज गिवन बाय वी बी द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो ई वी इज इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू की वैल्यू हो जाती है ई वी बाई एच। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इन एन एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15,000 वोल्ट स्ट्राइक द कॉपर टारगेट, द स्पीड ऑफ द एमिटेड एक्सरेज फ्रॉम द ट्यूब इज, एमिटेड एक्सरेज की स्पीड कितनी होगी। C के बराबर होती है उसकी स्पीड, तो स्पीड ऑफ लाइट ये होगी, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना एक्सरेज। एक्सरेज क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है, C, यानी कि 3 × 10⁸। ये फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इन एन एक्सरे बीम ऑफ 10⁻¹⁰ मीटर वेवलेंथ इज, अगर लैम्डा की वैल्यू 10 × 10⁻¹⁰ इतने मीटर है, तो एच सी अपॉन लैम्डा डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ई बाई सी। तो दिस इज एच अपॉन लैम्डा, यानी कि 6.63 × 10⁻³⁴ बाई 10⁻¹⁰। तो दिस इज 6.63 × 10⁻²⁴। तो अपना ये वाला ऑप्शन सही बन जाएगा, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट विद वेवलेंथ दिस इज अप्रोक्सीमेटली एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस वे द एनर्जी ऑफ एक्स रे फोटोन विद वेवलेंथ 1 angstrom वुड बी एच सी अपॉन लेमडा, दिस इज एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एच सी अपॉन 5000 angstrom is x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एच सी अपॉन 1 angstrom विल बी x इंटू 5000। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है।
The kinetic energy of an electron which is accelerated through a potential of 100 volt is 1.6 into 10 to the power minus 90, yani ke E into V is kinetic energy into 100. ठीक है ना, this is kinetic energy, यानी कि 1.6 into 10 to the power minus 17, first option is the correct option, क्योंकि जो भी वो V potential cross करने में energy का gain करता है, वो kinetic energy में ही बदलती है.